दोस्तों, चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने COVID-19 को महामारी घोषित कर दिया है, जो कि अब तक में 122 देशों में ये वायरस फैल चुका है। चीन, कोरिया, ईरान, इटली, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन, इन सभी देशों में इसके बहुत ही ज्यादा केस सामने आए हैं। दुनिया भर में अब तक लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा कोरोना वायरस के केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 5,400 लोगों की डेथ हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस के लगभग 100 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। और भारत में कोरोना वायरस के कारण स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े, इसके लिए सावचेती के भाग रूप भारत सरकार ने काफी सारे राज्यों में स्कूल, कॉलेज और मल्टीप्लेक्स को 15 दिनों के लिए बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया है। ऐसे में कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण किसी को भी डराने वाला है। और यहाँ पर काफी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि मेरे पास जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्या उसमें इस कोरोना वायरस को कवर किया जाता है? सर्दी, जुकाम और बुखार जैसे आम लक्षणों से शुरू होने वाली यह जानलेवा बीमारी क्या हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में आती है? क्या मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या मेडिक्लेम पॉलिसी में कोरोना वायरस का इलाज कवर है? और इस बात को जानने के लिए काफी लोग अपनी कंपनी में कॉल करके भी इसको कंफर्म कर रहे हैं कि अगर मुझे या मेरी फैमिली को कोरोना वायरस असर होती है तो क्या मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी इसे कवर करेगी? तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि वो कोरोना वायरस को भी अपनी पॉलिसी में कवर करें। यानी अगर आपने पहले से हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो तमाम बीमारियों के साथ साथ कोरोना वायरस भी इसमें कवर होगा और आप उसका क्लेम भी ले पाएंगे। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें हैं, तो चलिए उन शर्तों को भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी सबसे पहली शर्त है वेटिंग पीरियड। अगर आप वेटिंग पीरियड के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं तो आपको इसका क्लेम नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आप आज स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदते हैं और अचानक ही आपको कोरोना वायरस हो जाता है, तो फिर आपका इलाज बीमा के तहत कवर नहीं होगा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में किसी भी बीमारी को कवर करने के लिए 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है। अगर आप आज पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको 30 दिन का इंतजार करना होता है, उसके बाद ही कोई भी बीमारी का कवर आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मिलता है। कोरोना वायरस को भी डेंगू, मलेरिया या अन्य किसी भी अचानक होने वाली बीमारी की तरह ही कवर किया जाएगा। दूसरी शर्त है, अगर आप 4 हफ्तों से सांस से जुड़ी किसी भी बीमारी के कारण हॉस्पिटल जा रहे हैं, मान लीजिए आप पिछले कुछ दिनों से गंभीर कफ, सांस की बीमारी, फ्लू आदि से पीड़ित है, तो हो सकता है कि आपकी पॉलिसी कोरोना वायरस के संक्रमण को कवर नहीं करे। तीसरी शर्त यह है कि किसी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है लेकिन उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता, या उसे 24 घंटों से कम समय के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको काम नहीं आएगी। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 24 घंटे से ज़्यादा का अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तभी कवर होता है। कोरोना वायरस के कारण हॉस्पिटलाइजेशन होने पर किसी दूसरी बीमारी की तरह ही इसका इलाज कवर होता है, लेकिन इसकी शर्त यही है कि आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो 24 घंटे से ज़्यादा का होना चाहिए। तो यहाँ पर लगभग सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की सभी प्रोडक्ट्स में कोरोना वायरस को कवर करने के लिए IRDA ने निर्देश दिए हैं। लेकिन एक शर्त इसमें और है, जैसे कि अगर किसी भी बीमारी को महामारी घोषित कर दिया जाए, जैसे कि WHO ने और भारत सरकार ने, दोनों ने ही कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया है, तो ऐसे में कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी भी होती है जिसमें ये एक्सक्लूजन होता है कि अगर किसी बीमारी को महामारी घोषित कर दिया जाए तो हम उस बीमारी को अपने हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये जानने की ज़रूरत है कि उसमें महामारी कवर होती है या नहीं। तो दोस्तों, सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोरोना वायरस को भी डेंगू, मलेरिया और अन्य किसी बीमारी की तरह ही कवर किया जाएगा,
लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको बताई वो कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आपकी पॉलिसी 30 दिन पुरानी होनी चाहिए। अगर आप पॉलिसी लेने के 30 दिन के अंदर कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, और इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए कम से कम 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी है। या अगर आप विदेश से यात्रा करके आए हैं और ऐसे देश से आए हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित देशों की लिस्ट में है, तब भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर इसका कवर नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो जल्द ही अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर ही ले लें, क्योंकि कोरोना वायरस को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 30 दिन बाद ही कवर किया जाता है। और जैसे आज की सिचुएशन है, कोरोना वायरस बहुत ही तेज़ी से भारत में और दूसरे देशों में फैल रहा है। अगर कोरोना वायरस की बात ना करें तब भी हेल्थ इंश्योरेंस सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है, और आज के समय में कोई छोटी सी बीमारी में भी इतना ज़्यादा खर्चा आता है कि कभी-कभी लोगों को हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए या तो लोन लेना पड़ता है, या अपने किसी दोस्त से उधार लेना पड़ता है, या अपनी कोई चीज़ या प्रॉपर्टी को बेचना पड़ता है। तो इन सबसे ज़्यादा आसान और सही रास्ता मुझे हेल्थ इंश्योरेंस का लगता है। तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो मेरी सलाह यही है कि आपको जल्द से जल्द अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर ही ले लेनी चाहिए, क्योंकि किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी बीमारी 30 दिन के बाद कवर होती है। तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो इस बात पर ज़रूर विचार करें। ये मैं आपको कोरोना वायरस के हिसाब से बिल्कुल ही नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके परिवार में किसी को कभी भी कोई भी बीमारी होती है तो आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप बड़ी ही आसानी से किसी अच्छे हॉस्पिटल में और अच्छी तरह से उसका इलाज करवा पाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने हमारे बीस्मार्ट चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो लाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखते रहे बी स्मार्ट। जय हिंद।